मेहनत हमेशा रंग लाती है, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं किसी काम को कर सकता हूँ। इसलिए उस रहस्य को जानने की कोशिश कीजिए जो आपको सफलता का रास्ता दिखाए। किसी मकसद को हासिल करने के लिए मेहनत करना जितना जरूरी है, उससे कई ज्यादा जरूरी है कठिन परिस्थितियों में खुद पर नियंत्रण रखना। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी निर्भर मत रहना गैरों पर, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो खड़े होते हैं अपने पैरों पर। हमने एक बार एक व्यक्ति से पूछा, क्या कागज में आग है? उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, ये भी कोई सवाल है? दोस्तों, बिल्कुल नहीं। हमने कहा, अगर कागज में आग नहीं होती तो माचिस की तिल्ली से दी हुई आग कागज को इतना बड़ा कैसे कर देती? हर वस्तु में आग छुपी होती है, माचिस की तिल्ली उस आग को दहकाती है। एक बार एक बच्चा स्कूल से लौट कर आया और वो अपनी माँ को टीचर से दी गई एक चिट्ठी दी। जब माँ ने चिट्ठी पढ़ ली तब बच्चे ने माँ से पूछा, चिट्ठी में क्या लिखा है माँ? माँ ने बच्चे से कहा, बेटा, टीचर ने चिट्ठी में लिखा है कि मैडम, आपका बेटा ज्यादा बुद्धिमान है। हमारे पास ऐसा कोई टीचर नहीं है जो इतने प्रतिभावान बच्चे को पढ़ा पाए। आपसे अनुरोध है कि इसकी शिक्षा की परीक्षण व्यवस्था कहीं और करें। बरसों बाद जब माँ का देहांत हो गया, यह बच्चा अब एक मशहूर वैज्ञानिक बन चुका था। माँ के अंतिम संस्कार के लिए आया, सारी विद्या को पूर्ण कर लिया। उसके बाद वैज्ञानिक अपनी माँ के घर गया। वह टेबल पर रखी बहुत सालों पुरानी चिट्ठी मिली। जैसे ही वह उस चिट्ठी को पढ़ने लगे, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। चिट्ठी में लिखा था कि मैडम, आपका बेटा एक नंबर का बिद्दू है, हमें इसे सिखाकर तंग आ चुके हैं, हम इसे स्कूल से निकाल रहे हैं, बेहतर होगा कि आप इसे घर पर ही सिखाएं। आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए वैज्ञानिक महोदय ने चिट्ठी के नीचे लिखा, जी हाँ, थॉमस एडिसन एक बुद्धू बच्चा था जिसे उसके माँ के विश्वास और समर्थन ने इतना बड़ा वैज्ञानिक बनाया। दोस्तों, हर व्यक्ति में एक विशेष योग्यता और हुनर की आग छिपी हुई है। यदि विश्वास करने वाली कोई व्यक्ति माचिस की वो तीली मिल जाए ना, तो भीतर की आग बाहर निकलती और विश्व कल्याण होता। ढूंढिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो आप में विश्वास करे, या बनाइए वो माचिस की तीली जो किसी के भीतर छिपी उस आग को दहकाए। दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशनल वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और दीप लाइब्रेरी को भी फॉलो करें। थैंक यू।